नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। विजय वल्लभ अस्पताल के प्रशासन एवं डॉक्टर पर दर्ज हुआ मामला, डीसीपी जोन 2 ने दी पूरी जानकारी। वीरार के विजय वल्लभ अस्पताल में कल तड़के घटित हुए अग्निकांड में 15 मरीजों की दुखद मौत होने के मामले में वीरा भाईंदर वसई वीरा पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने तुरंत एक्शन लेते हुए विजय वल्लभ अस्पताल प्रशासन एवं वहां तैनात डॉक्टर स्टाफ के ऊपर 3 धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच क्राइम यूनिट को सौंपी है, जिसके बाद इस मामले की पूरी हकीकत सामने आने की हर किसी को आस है। इस पूरे मामले पर डीसीपी संजय पाटिल ने जो जानकारी दी, वह सुनिए आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। क्या कहेंगे कल की घटना के बारे में, क्या मामला दर्ज है? कल की घटना के बारे में अर्नाड़ा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया है, आईपीसी 304, 337, 338 आईपीसी। इसके तहत हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, डॉक्टर और स्टाफ, इनके खिलाफ ऑफेंस दाखिल किया है। सर, कितने लोगों के ऊपर? गुना में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, डॉक्टर और स्टाफ, इनका समन किया गया है। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोटल कितनी मृत्यु हुई सर? कल तक 14 थे, 15 जो डेथ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो हम महानगर पालिका से वेरीफाई कर रहे थे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।